कोरोना काल में टोंक जिले के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत 30,516 यूनिट गेहूं का वितरण किया जा चुका है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 50,000 से अधिक लाभार्थी निःशुल्क सिलेंडर ले चुके हैं। योजना के तहत मिलने वाली राशि से लाभार्थी घर बैठे परिवार का भरण पोषण होने से खुश हैं। प्रधानमंत्री गरीब सहायता से हमें बहुत सारा फायदा हुआ है। अनाज मिला है, चना मिला है और बैंकों में पैसे भी आए। उसकी वजह से हमारे घर की जो स्थिति है अभी सुधार है। उसमें हमें बहुत गरीबों को बहुत सहायता मिली है, जैसे कि अनाज, गेहूं मतलब, और दाल, गैस सिलेंडर वगैरह, मतलब पैसे वैसे की सब चीज़ की कोई वो नहीं आई दिक्कत। इस लॉकडाउन में हमें बहुत फ़ायदा हुआ है प्रधानमंत्री योजना के तहत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना 2019 कोरोना के जो प्रकोप है उससे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कि 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो गेहूं लेते थे, उनको खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए दिया जा रहा है। इसके अंदर 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति राशन कार्ड गेहूँ और 1 किलो दाल या साबुत चना प्रति राशन कार्ड दिया जा रहा है। ये योजना अप्रैल 2020 से चल रही है। इसमें टोंक जिले में अभी तक 30,516 एमटी का गेहूं का वितरण किया जा चुका है और 34,516 एमटी गेहूं अभी तक उठाव किया जा चुका है।